हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 में चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.2 एनसीईआरटी सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, कोई ट्रायंगल है हमारा एबीसी जो कि आइसोसेलस ट्रायंगल है। आइसोसेलस ट्रायंगल वो होता है जिसकी दो साइडें इक्वल होती हैं, यानी कि ए बी इक्वल है ए सी के। फिर बोला गया बी ए को इस तरीके से बढ़ाया गया पॉइंट डी तब कि बी ए बराबर होगा ए डी के, सच दैट ए डी इक्वल होगा ए बी के इक्वल। प्रूव करना है कि बी सी डी एंगल, ये जो एंगल है ये एक 90 डिग्री का एंगल है, राइट एंगल है, ये बात हमें प्रूफ करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ इन ट्रायंगल ए बी सी, इसमें हमें गिवन है कि ए बी इक्वल है ए सी के। ठीक है, और ए को इस तरीके से बढ़ाया गया है पॉइंट डी तक ताकि हमारी जो ए बी है वो इक्वल हो ए डी के इक्वल हो। इसे नंबर 1 मान लेते हैं, इसे नंबर 2 मान लेते हैं। ठीक है, इसके बाद में हमें 2 प्रूफ जो करना है, हमारा एंगल बी सी डी ये जो है 90 डिग्री का होगा, ये बात हमें प्रूफ करनी है। तो इसके लिए देखो, प्रूफ करते हैं इसको। मेरे पास दो ट्रायंगल है, ट्रायंगल नंबर फर्स्ट यानी कि ए बी सी, हमें ये गिवन है कि इसकी दोनों साइडें इक्वल है। सेकंड ट्रायंगल जो हमारा वह कुछ ये वाला, ठीक है, जिसका नाम है ए डी सी, हमें ये गिवन है कि ए डी सॉरी ए सी बराबर है ए डी के। तो यहाँ लिखता हूँ मैं इन ट्रायंगल ए बी सी, अगर किसी ट्रायंगल में अपोजिट साइड इक्वल हो तो उनकी अपोजिट एंगल है, ए सी के सामने कौन है एंगल बी, ए बी के सामने कौन है एंगल सी। इसे नंबर 1 दे देता हूँ, इसे नंबर मैं 2 दे देता हूँ। एक्चुअल में ये 1 और ये हमारा होगा 2, यहाँ लिखूँगा एंगल 1 बराबर होगा एंगल 2 के, रीज़न होगा एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, अगर साइड इक्वल है तो उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। इसे नंबर मैं 3 दे देता हूँ। इसी तरीके से हमारा ट्रायंगल है ए डी सी, तो मैंने लिखा इन ट्रायंगल ए डी सी, अगर दोनों साइड इक्वल हैं तो इनके अपोजिट एंगल, ए सी के सामने कौन है ये वाला एंगल डी और ए डी के सामने कौन है एंगल सी, तो इसे मैं मान लेता हूँ एंगल नंबर 3 इक्वल होगा एंगल नंबर 4 के। ये 3 है और ये 4 है, क्यों होगा, क्योंकि इनके साइड इक्वल है, ए डी इक्वल ए सी के है, तो एंगल 3 बराबर होगा एंगल 4 के, दोनों में रीज़न आ जाएगा एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर ऑल्सो इक्वल, अगर साइड इक्वल है तो उसके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे इक्वल होंगे। इसे नंबर मैं 4 दे देता हूँ। देने के बाद देखो, हमारा पूरा ट्रायंगल है, मैं ले लेता हूँ बी बी सी डी, लिखा मैंने इन ट्रायंगल बी सी डी, ले लिया तीनों एंगल का सम, एंगल बी कंप्लीट एंगल सी और कंप्लीट एंगल डी, तीनों का जोड़ कितना होगा 180 डिग्री, तो यहाँ लिखा एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, इनका जोड़ होगा 180 डिग्री, रीजन में डाल दिया मैंने एंगल सम प्रॉपर्टी, क्लियर है, यानी इसका मतलब बोलो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री। एंगल बी को मैंने यहाँ पे दे रखा है नंबर 1, ठीक है, एंगल सी है, सी के दो हिस्से हैं एंगल 2 एंड एंगल 3, तो इसके दो पार्ट में लिख देते हैं एंगल 2 प्लस एंगल 3, एंगल डी है वो 4 में कन्वर्ट है, तो यहाँ लिख दिया 4। मैंने इसके पीछे लिखने का रीज़न क्या वो बता देता हूँ, हमें एंगल सी को प्रूफ करना है 90 डिग्री का है, तो एंगल बी और डी दोनों को कन्वर्ट कर लेंगे एंगल 2 और 3 के अंदर, तो यहाँ लिखता हूँ मैं यूजिंग इक्वेशन 3 एंड 4, हमें पूरे एंगल को 2 और 3 में कन्वर्ट करना है, तो एंगल 1 किसके बराबर है 2 के, तो 1 को रिप्लेस कर दिया 2 के साथ, ये 2 आ गया, हमें 2 और 3 में कन्वर्ट करना है तो 2 2 और 3 आ गया, एंगल 4 किसके बराबर है एंगल 3 के, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने एंगल 3 इज इक्वल टू 180 आया। ये एंगल हमारा 2 टाइम्स आया, 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2, 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3 इज इक्वल टू 180, दोनों में एंगल 2 आ रहा है, 2 मैंने कॉमन निकाल लिया, यहाँ बच गया एंगल 2, यहाँ बच गया एंगल 3 इज इक्वल टू 180। एंगल 2 प्लस 3, 2 और 3 दोनों को जोड़ेंगे क्या बन जाएगा एंगल बी सी डी, तो यहाँ लिख दिया मैंने एंगल बी सी डी इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई में 2 है डिवाइड में आ जाएगा कितना है 90 डिग्री, और यही बात हमें क्या करनी थी प्रूफ करनी थी। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते अगली वीडियो में, ओके बाय बाय, थैंक यू।